आप बैग नहीं ले जा सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं ले जा सकते। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शमशाद अहमद, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आया हूँ मैं स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में। ये अक्षरधाम मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं, क्योंकि अंदर ले जाना सब कुछ मना है। आप बैग नहीं ले जा सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं ले जा सकते, मोबाइल, कैमरा, एयरफोन, यहाँ पर सब कुछ रखने के लिए लॉकर्स बने हुए हैं। फिर जो भी कुछ आपके पास है वो सब आपको बाहर जमा करना पड़ेगा, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स टाइमिंग, सो सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक इसमें एंट्री होती है और सोमवार को ये बंद रहता है। यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है और IGI एयरपोर्ट से ये 21 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन वाटर शो के लिए यू हैव टू परचेज़ अ टिकट वर्थ 80 रुपीज़। तो अब मैं अपना सारा सामान यहाँ पर जमा करके इसके अंदर एंट्री करेंगे और जानते हैं इसके बारे में। अक्षरधाम या स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक हिंदू मंदिर है और भारत के नई दिल्ली में स्थापित साहित्यिक संस्कृति स्थान है। इस मंदिर में लाखों हिंदू साहित्यों, सांस्कृतियों और कलाकृतियों को मनमोहक अंदाज से दर्शाया गया है। इस मंदिर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 6 नवंबर सन 2005 को शासकीय रूप से खोला था, यानी इसकी ओपनिंग की थी। ये मंदिर यमुना के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में अभिषेक मंडल, सहज आनंद वाटर शो, थीम गार्डन और 3 प्रदर्शनी यानी सहज आनंद दर्शन, नीलकंठ दर्शन और संस्कृति दर्शन है। मंदिर 141 फुट ऊंचा, 316 फुट चौड़ा और 356 फुट लंबा बना हुआ है। इसे राजस्थानी गुलाबी पत्थर और सफ़ेद संगमरमर और इटालियन करारा संगमरमर से बनाया गया है। इसे बनाने में लोहे, स्टील या किसी भी तरह कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर में 234 पिलर, 9 गुंबद और 20,000 साधुओं, अनुयायियों और आचार्यों की मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर के निचले भाग में 148 विशाल हाथी बने हुए हैं, गोमुख से निकलती जलधारा। मंदिर के बीच में गुंबद के नीचे 11 फुट ऊंची स्वामी नारायण भगवान की अभय मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। मंदिर में बनी हर एक मूर्ति हिंदू परंपरा के अनुसार पंच धातु से बनी हुई है। इस मंदिर में सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी है। आज अक्षरधाम मंदिर दिल्ली शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक आकर्षण बन गया है। मंदिर के चारों तरफ सुंदर सुंदर गार्डन बने हुए हैं, जिसमें गार्डन ऑफ इंडिया, कमल बाग और इसमें काशी की बनी हुई बहुत सी मूर्तियां हैं, जो देश के कुछ महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आते हैं, जैसे सैनिक, बाल हीरो, महान महिलाएं और देशभक्त। इस सुंदर और मनमोहक मंदिर में आकर्षित करने वाला एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी चलता है। ये शो शाम को 7 बजे शुरू होता है और 15-15 मिनट के अंतराल पर चलता है। अक्षरधाम मंदिर दुनिया का सबसे विशाल मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को
26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। कमाल की बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में सिर्फ 5 साल का वक्त लगा था। तकरीबन 11,000 कलाकारों और अनगिनत सहयोगियों ने मिलकर इस विशाल मंदिर का निर्माण किया था। तो मैं आ चुका हूँ बाहर, यहाँ से मैं सामान वापस लूँगा। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, सो प्लीज़ कॉमेंट ऑन इट, शेयर विद योर एक्वेंटेंस, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।